नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हमारे व्लॉग में और हमारे पेज पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो साथ में हमारी रिधिमा जो हमारी ब्लॉगर हैं, तो आज उन्होंने कहा कि जैसे ब्लॉग सब लोग बनाते हैं आप भी आज बनाइए। तो मैंने पूछा किस तरीके का ब्लॉग होता है। वैसे ये हमारा पूजा का कमरा है जहाँ पे हमारी पूजा होती है, पूजा रूम। ये हमारे पीछे ठाकुर जी का सामान इस अलमारी में रहता है, पर यहाँ पे भी एक अलमारी और है जहाँ पे सारा पूजा का सामान रहता है। और रिधिमा जी की ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो हमें डिपार्टमेंट थोप दिया गया है, सौंपा गया है। हाँ ये सही बात है, आज हमारी मम्मी ने हमको एक डिपार्टमेंट सौंप दिया है, सफाई का, मंदिर की सफाई का। ये है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी हमारा मंदिर जो है उसकी सफाई का डिपार्टमेंट, आज हम आपको सफाई करते हुए। और साथ में चीकू को भी ये डिपार्टमेंट मिला है। चीकू भी है हमारे साथ, यहाँ पर चीकू भी बैठा हुआ है। और साथ में हम आज आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खरीदारी हो गई है नवरात्रे में। जैसा कि और लोग ब्लॉग बनाते हैं उसी तरीके का आज हमने भी ब्लॉग बनाया है। ये सब ये रिधिमा ब्लॉगर की वो है कि ब्लॉग बनाइए। और ये जो पूरा रूम है ना जिसमें हम दोनों बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे जमीन पर हैं, आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारा पूजा का कमरा है, यहाँ पे हमारी पूजा होती है, यहाँ पे माता रानी बैठी है। तो क्योंकि कल देवी माँ की स्थापना होगी तो उससे पहले सफाई अभियान होता है मंदिर का, तो आज मम्मी ने वो डिपार्टमेंट रिधिमा और मुझे दे रखा है। और आज हम अच्छे से अपने मंदिर की सेवा, अपने मंदिर को आज हम क्लीन करेंगे, उसको साफ करेंगे, वो हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से करेंगे। और साथ में हम आपको ये दिखाएंगे कि आज हमने माता रानी के लिए क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या हमारे यहाँ है। मुझे एक चीज में बड़ी हैरानी हुई, जब अभी मैं सामान दिखाऊंगी ना आपको, जो जो सामान आया है उसमें मुझे एक चीज में बड़ी हैरानी हो रही है कि आजकल क्या क्या सामान आने लग गया है मार्केट में। तो चलिए पहले अपना मंदिर साफ कर लेते हैं और देखते हैं कि मंदिर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कल के लिए क्या तैयारी करनी है। तो चलिए हम लोग मंदिर को पहले साफ करते हैं। ऐसे आप लोग भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये हमारी गणपति जी हैं, देख लीजिए मामा, यहाँ से थोड़ा साफ करो इस तरफ। हाँ ये लक्ष्मी माता है, ये छोटे ठाकुर हैं, छोटे ठाकुर और वो बड़े ठाकुर हैं। थोड़ा नीच अच्छे से, थोड़ा अच्छे से यहाँ से। फ्रेंड्स फाइनली हमारा मंदिर हो गया है साफ, और मैंने और मम्मी ने कड़ी मुशक्कत से इस मंदिर को साफ सूफ कर दिया है। तो अब मैं और मम्मी आपको दिखाते हैं हमारे माता रानी के लिए जो हम सामान लाए हैं। फ्रेंड्स क्योंकि जो माता रानी की वस्त्र हैं वो तो कल ही सुबह चेंज होंगे, जब स्थापना होती है स्नान के बाद, तभी सारे देवी देवता जो होते हैं ना उनके कपड़े चेंज ही होते हैं। ठाकुर जी के तो रोज कपड़े बदले जाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण और जो देवी मैया है उनकी ड्रेस जो है कल सुबह बदली जाएगी। तो लेकिन आज हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या आया है, मम्मी ने क्या शॉपिंग की है। हम लोग तो मार्केट गए नहीं थे, और दिखाते हैं कि क्या क्या सामान आया है। मंदिर वैसे फाइनली साफ कर दिया है हम लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर से भी दिखाई देते हैं। और ये दो मोर लगाए हुए हैं। हाँ ये 3D मोर है, ये चुटकी ने लगाए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सामान आया है, क्या शॉपिंग हुई है देवी माता की। सामान आ ही गया है और यहाँ पे कुछ सामान है, और मम्मी आपको दिखाएंगी। दोस्तों मित्रों ये आपको ये बताना चाह रही है कि क्या आज देवी माँ के लिए क्या शॉपिंग करके लेके आई है हमारी माता जी, यानी हमारी मम्मी जगत की माता के लिए क्या क्या सामान लेके आई है वो हम आपको दिखा दें। क्योंकि इसको व्लॉगिंग करना बड़ा पसंद आता है, इसको अच्छा लगता है कि जो इसका लाइफ स्टाइल है, पर डे का जो इसका लाइफ स्टाइल है वो आपके सामने आए। बस ये कुछ दिन की व्लॉगिंग और है, क्योंकि जब स्कूल जाएंगी तो ये सब चीजें ये भूल जाएंगी, आप देख लेना। नहीं तो आइए दिखाते हैं आज क्या क्या मम्मी लेके आई है सामान, क्योंकि तैयारी तो कल की होगी। कल तो डैडी भी पूजा करते हुए हम आपको दिखाएंगे कि डैडी मम्मी कल कैसे स्थापित, जब माता रानी हो जाएगी तो डैडी मम्मी कैसे उनकी पूजा करते हैं, हमारे घर पर क्या विधि विधान होता है। वैसे सिंपल हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अडंबर में नहीं है, सिंपल एक पूजा होती है जैसे घर पे होती है वैसी पूजा हमारे घर पे होती है। तो आइए देखते हैं मम्मी क्या लेके आई है आज, और
सारा तो सामान हमने रखा नहीं है, व्रत पूजा का तो है क्योंकि जो देवी माता की पूजा का सामान है वो तो यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी जो व्रत का है क्योंकि उपवास रहेगा सबका वो किचन में रख दिया गया है सामान। और मैं दूसरा आपको सामान दिखा देती हूँ जो माता जी की वेशभूषा है और बाकी का उनका श्रृंगार का सामान है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ माता रानी का श्रृंगार है, इसमें चीजें हैं जो माता को यूज करनी है, जैसे सेंट है तो मुझे बेबी प्ले सेट लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मिरर, लिपस्टिक, ये दो चीजें मुझे नहीं पता क्या है, कपूर होंगे? नहीं कपूर नहीं होता, ये माता का सिंगार है, पैक्ड सिंगार आता है। मम्मी ये दो तीन पैकेट लेके आई हैं, शायद मंदिर में भी उनको चढ़ाएंगी। और ये पंचमेवा है, सेंट और इत्र है, सभी के घर में यही सामान आता है वैसे। हाँ। हमारे घर में कोई स्पेशल नहीं है। और ये आपका गंगा जल है, ये बताशे, क्योंकि माता रानी को डेली इनका भोग लगेगा, अग्यारी जो होती है। मैं एक चीज ना वो शायद इसमें से ना मिसप्लेस हो रही है, कहीं पे मम्मी ने रख दी है, तो आजकल जो कंडे होते हैं जिनकी अग्यारी होती है ना, इसके अंदर होगी अग्यारी, तो जो अग्यारी होती है उसके भी उपले के भी पैकेट आ रहे हैं, जैसे साबूदाने का पापड़ होता है ना उस तरीके से पैक किया हुआ। ये मम्मी की एक फेवरेट फोटो वो लेके आई है नौ देवियों की, ये मम्मी को ये लोटा शायद पसंद आया था ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। देखो कितना छोटा है, देखो बहुत ही प्यारा है, देखो इसको पकड़ो, देखिए फ्रेंड्स देखिए बहुत छोटा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना मैं ही ना लूंगी। ये हमारी देवी माता का मुकुट है, ये जो है देवी माता वैसे ही बहुत सुंदर लग रही है। हाँ देवी माता देखिए व्हाइट टाइगर पे बैठी हैं। अच्छा हाँ ये कल इनकी पूजा होगी, वैसे हमारी जो है पीतल की माता रानी है, मेटल की है। ये देखिए ये माता का, मैं आपको इन शॉर्ट ये बता सकती हूँ कि ये माता का श्रृंगार का सामान है। वैसे जो है ये रहा उनका लहंगा जो कल पहनेंगे, कितना खूबसूरत लहंगा है देखो। जब ये कल तैयार हो जाएंगी ना हम आपको कल दिखाएंगे, अभी मंदिर साफ हुआ है तो सामान ऐसे ही फैला हुआ है। ये एक पीतल का आइटम है, ये ठाकुर जी के लिए शायद मम्मी लेके आई है, प्लेट और प्लेट है दिखा दो, और कटोरी है कुछ ऐसे है, और ये दुपट्टे हैं, ये कंध है मेरा, ये कंध है, और ये संतोषी माँ की भी शायद मम्मी फोटो लेके आई है। हाँ ये फोटो, ये कपूर है, और एक चीज़ और है हमारे घर के जो शिवलिंग है ना, हम लोगों के यहाँ शिवलिंग है, छोटे शिवलिंग हैं, तो वो पता नहीं क्यों थोड़े से ना वो गल से रहे, तो मम्मी नए शिवलिंग लाई हैं। देखो ये कल स्थापित हो जाएंगे, कल इनकी पूजा होगी, क्योंकि कहा जाता है घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखा जाता है, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा शिवलिंग की पूजा की है, और मेरी भाभी ने भी एक शिवलिंग हमको गिफ्ट में किए दिए थे। तो ये ना सारा सामान है जिनका इस्तेमाल कल होगा, जो पूजा पाठ में कल, अभी क्योंकि अभी फोटोओं की अभी ऐसे हम लोग रख सकते हैं, अभी पूजा नहीं हुई है। और ये देवी माँ का सारा सामान है श्रृंगार का, और बाकी चीज़ें तो। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ब्लॉग हो गया है कंप्लीट, और आज बड़ा मज़ा आया है, सफाई भी हो गई बातों बातों में। वैसे मुझे ब्लॉगिंग करनी आती नहीं है, लेकिन सफाई भी, मंदिर भी पूरे साफ हो गए हैं, देवी माता का सिंहासन भी साफ हो गए हैं, पूजा तो कल सुबह होगी, शारी की स्थापना कल होगी और कल सारा काम होगा, लेकिन हमारा जो मम्मी ने आज हमको डिपार्टमेंट दिया था मंदिर साफ करने का वो हमने कर लिया है, और मिशन कम्प्लीटेड। और हम लोगों ने जो भी श्रृंगार वगैरह माता जी का सामान खरीदा था वो हमने आपको दिखा दिया है। आई होप कि हमें हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और हमने छोटी सी अपनी पर्सनल लाइफ आपको दिखाई है, वैसे हम दिखाते नहीं है, जनरली हम यहाँ पर अपने डैडी के या साइड से रिलेटेड लोगों के वीडियोज़ यहाँ पे बना के हम इस चैनल पे डालते हैं, लेकिन कभी कभी क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कभी कभी हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करें, तो आज हमने घर का अपना पूजा रूम आपको दिखा दिया, हमने ठाकुर जी की अलमारी दिखा दी, हमने पूजा का ये हमारा मंदिर है वो कल हम आपको और दोबारा दिखाएंगे जब हमारे माता पिता यहाँ पर पूजा करेंगे। तो हमें लग रहा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो डायरेक्टर साहब है वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, और उन्होंने ही कहा था कि थोड़ा सा आज माता जी का ये व्लॉग बना दो, तो देखिए व्लॉग बन गया। अभी पूछ लेते हैं डायरेक्टर साहब, आपको आज की फिल्म अच्छी लगी? बहुत अच्छी, ब्रिलियंट। तो अपने व्यूवर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और जो अभी मम्मी ने घंटी दिखाई थी ना उसी की तरह से हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। और मैंने मम्मी से एक कमिटमेंट लिया है कि अगर हमारे सारे के सारे फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब करेंगे तो मॉम को मुझे ढेर सारे चॉकलेट्स देने होंगे। नहीं चॉकलेट्स तो है ही, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे
तो हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, उसमें हम डैडी के हाथों से वो लकी ड्रॉ निकलवाएंगे और 10 ऐसे पार्टिसिपेंट जो 10 ऐसे लोगों को जिनका नाम आएगा उस ड्रॉ में, उनको हम डैडी के नाम की छपी हुई टी शर्ट्स उपहार में देंगे और एक पब्लिक मीटिंग भी रखेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कीजिए और हमारी मेहनत को सफल कीजिए और हम अब आगे नवरात्र के बाद ही हम कुछ साहित्य से रिलेटेड चीज़ें बनाएंगे क्योंकि उनमें मेहनत लगती है, उनमें क्योंकि उनमें ज्ञान होता है, उनके अंदर रिसर्च करना पड़ता है। तो आप हमारी हमको बेस्ट विशेष दीजिए कि जल्दी से जल्दी हम उसी से रिलेटेड हम प्रोग्राम्स बनाएं और आपके सामने लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, कल सुबह फिर मिलेंगे, कल है नवरात्रे, हैप्पी रहिए, कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, माता जी घर पर आ रही हैं, घर घर मैया की पूजा होगी, तो हाथ जोड़ के मांग लीजिए देवी माता से जो भी आपको चाहिए, इस बार माता सबकी झोलियाँ भर देगी। और इसी आस के साथ अभी का हम ब्लॉग यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैप्पी।